जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 जो चैप्टर का नाम एपी है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर तक कर चुके थे। उसमें दो क्वेश्चन और रह गया है 3 नंबर में जिसको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है। तो देख रहे हैं हमारे पास ए का वैल्यू दे रहा है 3, एन दे रहा है 8, एस दे रहा है 192 और बोल रहा है डी निकालने के लिए। यहाँ एस देख कर समझ जाना है, जब भी एपी में आपको कहीं पे एस लिखा हो, एस एन लिखा हो या एस के साथ कोई नंबर हो, समझ जाना वो एस एन के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, डेट मीन्स एस एन को हम लोग एस के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, ये पॉइंट को भी माइंड में कीप कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी वाला फॉर्मूला यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ए एन का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देख रहे हैं ए का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, डेट मीन्स ए सिंपल है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं जब भी हमें किसी क्वेश्चन में कुछ निकालना हो, यदि जो निकालना हो जो जान रहे हो उसका वैल्यू दिया हो तो सिंपली निकाल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ उसमें कोशिश करना है इन जो जो वैल्यू दिया हो उनमें से किसका कोई फॉर्मूला होता है या नहीं। जैसे एक के हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, एन का भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, लेकिन एस के बारे में जानते हैं कि एस एन है और इसका दो फॉर्मूला होता है। होता तो तीन है लेकिन लास्ट दो फॉर्मूला सेम होता है, बस ए एन और एल का डिफरेंस होता है। तो जनरली दो फॉर्मूला होता है, तो उसी के आधार पर हम लोग कंक्लूजन करके आगे आंसर तक जाते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले वो लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू। हालांकि इसका दो फॉर्मूला होता है लेकिन हम लोग बोले थे सेकंड फॉर्मूला का प्रयोग तभी करते हैं जब हमारे पास ए और ए एन का वैल्यू दिया रहे। हम यदि क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ए का तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन ए एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जब ए एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जो था एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इस थोड़ी। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं, जो जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई वैल्यू नहीं। एस एन डेट मीन्स एस एस का वैल्यू देख रहे हैं कितना 192, तो लिख दीजिए। एन के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, सॉरी एन के बारे में भी पता है, एन का वैल्यू कितना दे रहा है 8। टू ए ए के बारे में भी हमारा दे रहा है कितना 3। अब देखिए फिर से आ गया प्लस एन, एन की जगह फिर से क्या होगा 8 माइनस वन और डी तो हमें निकालना है, तो डी की जगह क्या करेंगे, डी रखेंगे। शुरू से बात बोल रहे हैं ध्यान रखते चलिए कि जब भी हमें जो चीज निकालना उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। यदि डी निकालना तो डी की जगह डी ही छोड़ दीजिए, ए निकालना तो ए की जगह ए ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको उसी तरह लिखते हैं फिलहाल। ये देखिए 2 से कितना बार है, 4 बार में, ठीक है। तो 4 2 3 जो क्या होता है 6 प्लस 8 में से बन जाएगा 7d। यहां तक बोले कोई दिक्कत, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में तो इसको इस साइड भेजते तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स टू क्या बच गया 6 प्लस 7। 4 से देखिए कटता है, 4 जा 16, 3 आएगा 32, 4 8 जा 32। ये देखिए प्लस में इसको इधर भेज देते तो क्या होगा 48, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में इक्वल्स टू 70। इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 42 इक्वल्स टू क्या होगा 70। अब d के साथ ये मल्टीप्लाई में तो उसको इधर भेज देते हैं, डैट मीन्स d बराबर क्या होगा 42/7 और ये देख रहे हैं कितना बार में कट गया 6 बार में। डैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि d बराबर मेरा क्या होगा 6 होगा, जो हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से देखें हम लोग कुछ नहीं किए, बस जो कंसेप्ट हमारे पास था उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या किए सॉल्व करते चलो और फाइनली हमारे पास क्या हुआ, डी का कोई ना कोई एक आंसर आ गया जो आंसर क्या था मेरा 6 था। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका 10 नंबर की ओर बढ़ते, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है 10 नंबर जिसमें क्या बोल रहा है एल दे रहा है 18। तो एल के बारे में पता हो आपको, एल के बारे में शुरू बताते हैं, एल को क्या कहते हैं ए एन भी कहते हैं, डेट मीन्स ए एल लिखिए सॉरी एन लिखिए या ए एल लिखिए दोनों क्या है सेम चीज है। एस मतलब एस एन, ये बात भी कुछ देर पहले ही चर्चा की कि एस का मतलब क्या होता है एस एन, साथ साथ एन का वैल्यू दे रहा है बोल रहा है ए निकालने के लिए। फिर ए निकालने की बात करें तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में पढ़े थे कि ए निकालने के लिए हम लोग ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंस टू डी वाले फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला, तो आप कहेगा सर इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला को प्रयोग करने से पहले ये भी देखना है ना कि हमारे पास फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटी, तो हम शुरू में बोले थे जब भी इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो कम से कम 3 वैल्यू हमारा दिया होना चाहिए,
जिसको निकालना उसको छोड़कर, मान लीजिए ए एन निकालना तो तीन वैल्यू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन हमको निकालना है क्या, तो ए को छोड़कर क्या क्या बचा, ए एन, एन और डी। तो देखिए ए एन का वैल्यू तो दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया, लेकिन डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो नहीं तो इस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। तो हमारे पास देखिए इसका फॉर्मूला प्रयोग नहीं हुआ। अब एस एन, तो एस एन का टोटल कितना फॉर्मूला होता है, तो एस एन को हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े, पहला फॉर्मूला पढ़े है क्या पढ़े, एन बाई टू इंटू क्या होता है टू ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। और इसी का एक फॉर्मूला और था, क्या था, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। हम बोले हुए थे कि ए एन हो चाहे एल हो, दोनों को प्रयोग जो होता है हम लोग लास्ट टर्म को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। तो जो स्टूडेंट थोड़ा ब्रिलियंट होंगे वो तो समझ जाएंगे, अरे मेरा एल जो है ए एन, इधर डेट मीन्स ये फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते हैं। और देखिए इसमें देखिए तो मेरा क्या, एन का वैल्यू दे रहा है, ए का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, ये भी दिया और ये भी दिया, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे पहले वी नो डैट, क्या जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू, चूंकि एल है तो एल वाला फॉर्मूला प्रयोग कर लेते हैं, या सिंपली आप ए एन भी लिखे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ लिख दीजिए एल इक्वल ए एन बराबर 28। अब देखिए एस एन का वैल्यू दे रहा है कितना 144, एन का वैल्यू दे रहा है कितना 9 और नीचे क्या आता है 2, ए का भी वैल्यू दे रहा है मेरा नहीं दे रहा, ए निकालना है, और एल का वैल्यू दे रहा है कितना 28। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में तो इसको इस साइड भेजते तो ये क्या होगा डिवाइड में आएगा, इक्वल्स टू क्या बच रहा है ए प्लस 28। अब क्या करते हैं, चूंकि ये रैशनल नंबर में तो रैशनल नंबर का नियम होता है इसको मल्टीप्लाई में करके इसको पलटना पड़ता है, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा नंबर क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, और डेट मीन्स क्या बचेगा ए प्लस 28। अब देखिए 9 से इसको काटते हैं तो 9 1 9 5 आएगा 9 6 54, तो डेट मीन्स क्या होगा 16 into 2, डेट मीन्स क्या हो गया 32 बराबर क्या हो गया ए प्लस 28। चूंकि हमको ए का वैल्यू चाहिए तो ए को सेपरेट करते हैं, तो इसको ये देख रहे हैं प्लस में, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में, डेट मीन्स ए बराबर क्या होगा 32 माइनस 28 इक्वल्स टू क्या होगा 4, और ए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान था, बस हमें कंसेप्ट वाइज यूज करना था, कंसेप्ट का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे सवाल हमारा क्या होगा उतना ईजी बनता जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन के और एक्सरसाइज 5.3 का फोर नंबर क्वेश्चन। अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे तीन नंबर, तो उसमें हमारे पास क्या था, पहले से डाटा गिवन था, अभी क्या ये क्वेश्चन के रूप में दे रहा है जो वर्ड के रूप में। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, यदि क्वेश्चन को हम नहीं समझ सकते तो कोई भी सवाल कितना आसान या कितना भारी क्यों ना उसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट दे मीन टू से, ठीक है, तो लिसन केयरफुली, क्या बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दे रहा है जिसका बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना इतना मस्ट हैव टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, बोल रहा है एक एपी है तो इसमें कितना टर्म लेंगे कि जिसका सम क्या हो 636 हो। तो हम हमारे पास देखते हैं क्या क्या है, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, सबसे पहले देखिए हमारे पास एपी दे रहा है तो एपी के अकॉर्डिंग ए वन दे रहा होगा कितना 9, ए टू दे रहा है कितना 17, ए थ्री भी दे रहा है कितना 25, साथ साथ सम ऑफ दे दिया, जब भी सम है तो समझ जाना ये एस एन का वैल्यू दे रहा है, किसका वैल्यू दे रहा है सम ऑफ कितना 630, सम ऑफ डेट मीन्स एस एन किसका 636, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए तो स्टार्टिंग में बोल दिया था हाउ मेनी टर्म, तो हम शुरू से बोल रहे हैं जब भी टर्म आ जाएगा तो समझ जाना है क्या है, हाउ मतलब क्वेश्चन कर रहा है, डेट मीन्स एन के बारे में पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम पहले ही बोले थे जब भी हमारे पास एपी का टर्म दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डी निकालते हैं, और डी निकालने के लिए फॉर्मूला पड़े क्या होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू देखिए कितना है 17 और ए कितना है 9, दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 8। फिर साथ में बोले थे क्या कि एस एन निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए एन होना चाहिए, लेकिन एस एन तो पहले से दिया और एन ऑलरेडी बोल दिया है क्वेश्चन में निकालना, और एक चीज और हम लोग पहले से जान रहे हैं n निकालने के लिए हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंस टू डी वाले फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास ए एन का वैल्यू दिया रहे,
हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास an का वैल्यू कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए इस फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए इससे तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, इससे भी नहीं बनेगा, मतलब बन सकता है लेकिन n के केस में नहीं बनेगा। तो डेट मीन्स हम देख रहे हैं हमारे पास sn है, तो यहाँ पे sn का फार्मूला यूज करेंगे। वी नो डेट sn बराबर क्या होता है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी। हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग इसलिए क्योंकि हमारे पास ए वन सबका वैल्यू पुट करते हैं। अब एस एन हमारे पास दे रहा कितना 636, एन बाई टू एन का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, टू ए ए का वैल्यू दे रहा है हाँ ए का वैल्यू दे रहा है कितना 9, प्लस एन माइनस वन एन का वैल्यू तो नहीं दे रहा और डी का वैल्यू दे रहा है कितना 8। हम लोग निकाले ठीक है, सॉल्व करते हैं 636 को उसी तरह रहने देते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18, 8 को n से करेंगे तो क्या होगा 8n, और इसको 8 से करेंगे तो क्या होगा सॉरी 8 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 8। देखिए क्या होगा 636 बराबर क्या होगा n by 2 ठीक है। अब देखिए क्या होगा इधर 18 दोनों कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट को हम लोग सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 18 में से 8 जाएगा तो मेरा क्या होगा 10 माइनस। अब देखिए यहाँ क्या है, ये तुम्हारा वेरिएबल है सॉरी माइनस नहीं होगा, इसके आगे क्या है प्लस, तो ये प्लस होगा और वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे इसी तरह से हम लोग लिख देंगे ठीक है। अब इसको इस साइड हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 636 ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरा n बाई टू को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, n बाई टू को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस अब क्या करना n बाई टू को 8n से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से ये कटेगा 5 बार में और 2 से कटेगा ये 4 बार में, अब क्या बच रहा है उसको लिखते हैं 636 बराबर क्या होगा 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5n होगा ठीक है। उसी तरह देखिए ये 4 को यहाँ 4 तो 4 होगा, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, अब सारे को एक साइड ले जाते हैं तो पहले इसको लिख लेते हैं n स्क्वायर वाले को, फिर क्या होगा प्लस 5n और माइनस क्या होगा 636 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ऐसा मेरे पास पहले भी आया था और इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, ये क्या है फैक्टराइजेशन है और फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टराइजेशन क्लास 9th में पढ़े थे कैसे निकालते हैं, और फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम लोग कुछ बातों के बारे में चर्चा किए थे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एन स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट होता है उसको कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 4 है यहाँ क्या है 636 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 6 से करेंगे तो 24 यानी क्या बचेगा 2, अब 4 को 3 से करते हैं तो क्या होगा 4 3 जो 12 और 2 14 कैरी 1, 6 4 जो 24 और 1 क्या होगा 25। अब इसका क्या करना है एलसीएम निकालना, तो 2 से निकालते क्या होगा 1 बचेगा 14 7 और 2, फिर 2 से निकालते 6 ये क्या होगा 3 2 6 ये क्या आएगा 1, अब 2 से फिर लगाते हैं क्या होगा 2 3 6 2 1 2 8, फिर 2 से लगाते हैं 2 1 2 5 2 10 9, अब किससे लगेगा 9 5 1 6 9 15, अब 3 से लगेगा 3 से लगाते हैं 5 3 15 और 3, इससे आगे तो जाएगा नहीं। अब फैक्टर को हमको ऐसे लिखना है, बीच में क्या है देख रहे हैं बीच में क्या है 5 है, तो डैट मीन्स हमें इस तरह से लिखना और भी क्या है प्लस में, इसको इस तरह से हमें डाइवर्ट करना है कि प्लस माइनस करने पे, इसका भी एक शॉर्ट तरीका क्या होता है ना कि पहले वाले को उसी तरह से लिखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, यहाँ एन है तो एन को यहाँ लिखिए, और ये क्या है माइनस में क्या है 660 इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है तो इन दोनों के बीच में माइनस रखिए। अब इसका एलसीएम में से दो नंबर ऐसा चूज करना है जिसको क्या करना हो घटाने पे क्या है 5 है, तो देखिए एक तो 53 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, डेट मीन जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना आ रहा 48 और यहाँ क्या है 53, और जब 53 में से 48 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5, डेट मीन्स यहाँ क्या होगा 53 यहाँ क्या होगा 48। अब देखिए क्या करना है 4n स्क्वायर ये प्लस 50 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 53n, माइनस तो माइनस ये क्या होगा 48n,
माइनस 666 इक्वल टू जीरो। यदि आपको फैक्टराइजेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे क्लास नाइन्थ के प्लेलिस्ट में जो पॉलीनोमियल सेकंड चैप्टर है उसमें लगभग आपको 13 या 14 पार्ट होगा जिसका टाइटल या थंबनेल में लिखा होगा फैक्टराइजेशन, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में देखिए कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 4n, और यहाँ n ले लिए तो बचेगा 53। इन दोनों में से अब हम लोग ऐसा क्या कॉमन ले कि मेरा 4 हो, फर्स्ट 4 आए तो डेट मीन्स 12 ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस लीजिए 12 4 जाए क्या होगा 48, और 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 12 5 जाए 60 और 12 3 जाए इक्वल्स टू क्या होगा 0, सॉरी माइनस, और माइनस यहाँ क्या होगा प्लस होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों में देख रहे हैं ये और ये कॉमन है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, बच क्या गया एन माइनस 12 इक्वल्स टू क्या है 0। अब यहां आ गए तो हमारा आगे क्या होगा, एन को निकालना बहुत ही आसान होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और n बराबर इधर क्या होगा 12। हम बोले थे किसी भी एपी का n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल मतलब पी बटे क्यू के फॉर्म में हम लोग कभी भी n को नहीं ले सकते। और यहाँ हमारा n का दो वैल्यू आ रहा है, एक n का वैल्यू आ रहा है माइनस 53 बाई 4 और एक वैल्यू आ रहा है n बाई 12, तो देख रहे हैं पी बटे क्यू के फॉर्म में जो कभी नहीं होगा, डेट मीन्स n का वैल्यू क्या होगा 12 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू एक, तो दोनों वैल्यू को देखना होगा कि हमारा दोनों वैल्यू n का ही है, और n का वैल्यू लोग शुरू से जानते हैं फ्रैक्शनल कभी भी n का वैल्यू नहीं होता और ना ही नेगेटिव होता, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एन एपी इज 5। क्या बोल रहा है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45 और लास्ट टर्म क्या दे रहा है 45 एंड द सम इज 400, साथ साथ उसका सम भी दे रहा है कितना 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन निकालना, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, वी हैव तो फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म को ए वन से इंडिकेट करते हैं जो क्या है 5 है, ए वन या ए से भी इंडिकेट कर सकते हैं। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को लोग बोले थे ए एन या एल से इंडिकेट करते हैं, साथ साथ बोल रहा है सम, तो सम को हम लोग एस एन से इंडिकेट करते हैं जो कितना दे रहा है 4। अब क्या बोल रहा है फाइंड एन, क्या निकालना है एन, और साथ साथ क्या बोल रहा है कॉमन डिफरेंस जिसको डी से इंडिकेट करते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, एन भी निकालना और डी भी निकालना। तो एन के लिए हम लोग शुरू से जान दे ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं जो क्या होता है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना जब ए एन का फॉर्मूला याद रखेंगे तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके लिए ये चेक करना है इसमें ए का वैल्यू है, ए एन दिया हुआ है चलिए ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ दिया ठीक है, एन का वैल्यू दिया है नहीं दिया है, और डी तो निकालना है, तो दो वैल्यू मिसिंग है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, चलिए इसको साइड कीजिए। अब क्या दे रहा है एस एन, तो एस एन का हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे, पहला फॉर्मूला पढ़े एन बाई टू इंटू क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इज टू डी, ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला पढ़े है कौन सा एन बाई टू इंटू क्या होता है a प्लस ए एन। हम बोले थे यदि सवाल में a और ए एन का वैल्यू दिया रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे और नहीं तो इसका, तो यहाँ देखिए a भी दे रहा है ए एन भी दे रहा है, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू इंटू क्या होता है ए प्लस ए एन। अब n बाई टू की बात करें तो n का वैल्यू तो हमारे पास दिया है नहीं दिया है, डैट मीन्स n हमें निकालना, लेकिन बात बात देखिए यहाँ एस एन भी दे रहा है a भी दे रहा है और क्या दे रहा है a n भी दे रहा है, तो आइए इसका वैल्यू को पुट करते हैं। एस एन की बात करें तो एस एन कितना दे रहा है मेरे पास 400, एंड n की बात करें तो n तो निकालना है, a की बात करें तो a दे रहा है 5 और a n दे रहा है 45। फिर से 400 का 400 ये क्या है n बाई टू और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा 50 होगा, चूंकि मल्टीप्लाई में 2 से कटेगा कितना बार में 25 बार, डैट मीन्स 400 इक्वल्स टू आ गया 25
एंड ये 25 मल्टीप्लाई में तो इस साइड भेज दी, तो एन बराबर क्या होगा 400/25, डिवाइड कीजिए, जब डिवाइड कीजिएगा तो 25 + 25 = 6, डेट मीन्स एन इक्वल्स टू कितना आएगा, एन इक्वल्स टू कितना आएगा 16। तो हमारा पहला आंसर यहाँ से क्या हुआ है, निकल चुका है। अब एन के साथ साथ हमें बोल रहा है एक और चीज़ निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग शुरू से एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, नौ डी इक्वल्स टू वाट, तो डी के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला पकड़ेंगे, ए एन, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी। अब देखिए हमारे पास जो जो चीज़ लिखे हैं, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, एन तो अभी निकाल चुके हैं और डी तो निकालना ही है, तो ए एन का वैल्यू कितना है, देखिए कितना है 45, ए का वैल्यू कितना है 5, एन अभी निकालना है कितना 16 और डी तो हमें निकालना ही है। ये देखिए 45 का 45 ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, 16 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 15d, 45 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 40 इक्वल्स तो क्या होगा 15d, 15 इधर मल्टीप्लाई में तो इसको इस साइड भेज दीजिए तो क्या होगा डी इक्वल्स टू क्या होगा 14 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, 5 से काटिए 8 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, डैट मीन्स डी बराबर कितना आया 8/3, यही हमारा किसका वैल्यू है डी का। डी का वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकता है, सिर्फ एन का वैल्यू फ्रैक्शनल या बट्टे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है किसी एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 17 है और लास्ट टर्म क्या है 350 है, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, साथ साथ कॉमन डिफरेंस दे रहा है 9 है, तो बोल रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ टर्म डेट मीन्स एन क्या है और साथ साथ कॉमन डिफरेंस डेट मीन्स एन डी क्या है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या क्या है, Given that या we have भी लिख सकते हैं, first term that means a1 कितना दे रहा है 70, last term an that means क्या दे रहा है 350। यहाँ confusion नहीं होना है क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ दे दिया, respectively word use कर, respective मतलब जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह, तो यहाँ देखिए एंड से पहले फर्स्ट है तो एंड से पहले यहाँ 17 है, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या होगा 17 और एंड के बाद है लास्ट, इसलिए एन के बाद 350 जो लास्ट टर्म का है, साथ साथ डी दे रहा है कितना 9, बोल रहा है क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म डेट मीन्स एन निकालना और साथ साथ पूछ रहा है कि डियर सम, सम मतलब क्या है एस एन निकालना, तो एन निकालने के लिए शुरू से हम लोग एक ही फॉर्मूला जा रहे हैं, कौन सा ए एन बराबर क्या होता है, माइंड में इसको सर्च करना, हम तो यहाँ लिख के दिखा रहे चूंकि आपको समझाना, लेकिन आपको लिखना नहीं बस सोचना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए ए एन का वैल्यू दे रहा है दे रहा है, ए का वैल्यू दे रहा है दे रहा है, एन निकालना है तो ठीक है एन ही रहेगा और डी का वैल्यू दे रहा है, डेट मीन्स इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, क्या जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी, ये होता है। अब देखिए ए एन की बात करें तो ए एन मेरा कितना है 350, अब ए की बात करते हैं तो ए मेरा कितना दे रहा है 17 प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह बात करें तो एन तो निकालना है और डी की बात करें तो 9 दे रहा है, ये देखिए इधर प्लस में 17 तो इक्वल के इस साइड लाते तो वो क्या होगा माइनस में होगा, इक्वल्स टू क्या होगा एन माइनस वन इज टू 9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 50 में से 70 जाएगा तो 33 और यहाँ 3 है, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में एन माइनस वन, कटेगा देखते हैं काट के 9 3 = 27 और 6 आएगा 63, तो 9 7 = 63, यहाँ देखें हमारे पास क्या आ रहा है 37 इक्वल्स टू एन माइनस वन, डैट मीन्स एन की बात करें तो माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस में, डैट मीन्स एन का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 38, तो एन हमारा निकालना था, तो पहला आंसर हमारा यहाँ क्या हो चुका है निकल चुका है। अब क्या चाहिए हमको, एक चीज तो निकाल लिया, अब एस एन चाहिए, नाउ एस एन इक्वल्स टू व्हाट, तो एस एन के बारे में हम लोग दो फार्मूला जानते हैं, अब यहाँ सोचना है हम लोग कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ जो हमारा फार्मूला प्रयोग होगा सेकंड फार्मूला यूज होगा, क्यों होगा तो आप लोग सोच चुके होंगे क्योंकि हमारे पास ए वन भी है और ए एन भी है, हम बोले थे जब हमारे पास ए और ए एन दोनों का वैल्यू दिया रहे तो हम लोग सेकंड फार्मूला का प्रयोग करते, तो वी नो डेट एस एन बराबर क्या होगा n by 2 into क्या होगा a plus a n,
SN तो निकालना, तो SN ही रहने दीजिए। N का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 38, तो यहाँ 38 रख दीजिए। A के बारे में देखें तो A मेरा कितना दे रहा है 17 प्लस AN, AN कितना दे रहा है 350 दे रहा है। अब इसको सॉल्व करते ये देखिए कट के क्या होगा 19 हो जाएगा, डेट मीन्स SN इक्वल टू क्या होगा 19, और इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 350 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा 367। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6973 आएगा, और ये हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं देयर आर, यहाँ लिखना चाहे तो लैंग्वेज लिख देंगे लास्ट में देयर, और जैसे वर्ड है उसी को लिखना है देयर कितना टर्म 38 टर्म्स एंड देयर सम इज, एंड देयर सम इज 6973। इस तरह लिखने से क्या होता है ना कि थोड़ा एक सिस्टम में चलता है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और जब कॉपी चेक करने वालों को भी क्या होगी बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब सम निकालना कितना फर्स्ट 22 टर्म का, डेट मीन्स कहने का मतलब हो गया एस 22 निकालना है, जितना टर्म बोल दे वहां तक निकालना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है इन विच डी इक्वल टू 7, जिसमें डी का बारे में दे रहा है डी कितना है 7, और बोल रहा है 22 टर्म, डेट मीन्स क्या है कि एक 22 दे रहा है कितना 149 दे रहा है। तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए, तो हमें सम निकालना है 22 टर्म का। तो सम निकालने के लिए हम लोग कितना फॉर्मूला पढ़े हैं, दो फॉर्मूला। पहला तो फॉर्मूला पढ़े एस एन बराबर एन बाई टू इंटू क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन इज टू डी, और एक और फॉर्मूला पढ़े हैं क्या पढ़े हैं एन बाई टू इंटू क्या होता है a प्लस ए एन होता है। तो सेकेंड फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि एक चीज बताए थे जब क्या हो हमारे पास यहाँ पे क्या है 22 दे रहा है, तो डेट मीन्स यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा देखिए ए का वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है, तो डेट मीन्स इस फॉर्मूला के बारे में हम कंक्लूजन नहीं कर रहे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में बात कीजिए तो क्या है हमारे पास 2a, a का वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है, तो किसी कंडीशन में हमारे पास यदि a का वैल्यू आ जाए या d का वैल्यू आ जाए तो हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एस 22 को निकालने के लिए या तो हमें a चाहिए या d चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चीज ये दे रहा है, क्या दे रहा है वी हैव a 22 इक्वल्स टू क्या दे रहा है 149। a 22 को हम लिख सकते हैं क्या a 1 प्लस 21d, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी तो और कुछ सोच सकते हैं क्या, तो और यहाँ और कुछ सोच सकते हैं, जैसे इस फॉर्मूला में बात की तो हम लोग क्या निकालना a n दे रहा है a नहीं दे रहा है, इस फॉर्मूला में देखिए d दे रहा है यहाँ पे भी a नहीं है, डेट मीन्स दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करने के लिए कम से कम a का होना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे a, तो a निकालने के लिए a 22 दे रहा था तो इसको कितना ये 149, a 1 का तो a 1 रहने दीजिए, 21 का 21 मल्टीप्लाई देखिए d का वैल्यू दे रहा है कितना 7 इक्वल्स टू क्या होगा 149। अब देखिए a 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ये क्या होगा 14 इक्वल्स टू क्या होगा 149, यहाँ से a 1 की बात करें तो क्या होगा 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू आ गया। अब SN का हम लोग ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास n का वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ 22 है, डेट मीन्स हम पहले बोले थे जो यहाँ n हो वो क्या होगा 22 होता, और क्वेश्चन में दे दिया 22 टर्म, डेट मीन्स n इक्वल क्या है 22, n दिया हुआ a का वैल्यू दिया हुआ है, n दिया हुआ और d का वैल्यू दिया हुआ, या इसका प्रयोग करना चाहे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि a 22 भी है a भी है और n भी है, तो आपका यहाँ पे इच्छा करता है, यहाँ जरूरी नहीं है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो दोनों में जो फॉर्मूला यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि दूसरा फॉर्मूला क्या कर सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ क्या निकाल रहे हैं नाउ एस 22 इक्वल्स टू व्हाट, वी नो डैट एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू इंटू क्या होता है ए प्लस ए एन, अब n के जगह क्या होगा 22, यहाँ भी n के जगह क्या होगा 22, अब a की बात करें तो a मेरा कितना आया 2, और यहाँ भी n के साथ क्या होगा 22, तो s 22 इक्वल टू क्या होगा ये कट के 11 आएगा,
टू और प्लस 822 की बात करें तो कितना दे रहा है, 149। डेट मीन्स एस 22 की बात करें तो 11 इंटू क्या होगा 151। अब मल्टीप्लाई कीजिए 11 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, डेट मीन्स कैरी 1, 11 5 जब 55, 1 56 कैरी 1, 11 1 जो 11 और 5 16, डेट मीन्स एस 22 का वैल्यू कितना है 1676 है। बस ध्यान रखना है जो हम बोलते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, डेट मीन्स हमें क्या निकालना है, एस 51 निकालना है। एस 51 डेट मीन्स हमारे पास टर्म के बारे में बात करें, टर्म को क्या बोलते हैं एन, जो कितना दे रहा है 51। होस्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, डेट मीन्स सेकेंड टर्म दे रहा है कितना 14 और थर्ड टर्म कितना दे रहा है 18। यहाँ पे सोचना हमें क्या निकालना, एस 51 डेट मीन्स एस एन निकालना, और एस एन के लिए हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन स्टोरी, और सेकेंड फॉर्मूला पढ़े थे एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू इंटू क्या है ए प्लस ए। तो यहाँ सोचना है हम लोग कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करें, यदि इस फॉर्मूला का प्रयोग करें ए और एन चाहिए, ना हमारे पास ए है ना ही हमारे पास एन है, ए एन, तो डेट मीन्स इस फॉर्मूला का प्रयोग करना क्या होगा अनुचित होगा। अब यहाँ देखें तो इसमें क्या है एन तो दिया हुआ, ए का वैल्यू है नहीं, एन माइनस वन तो एन का वैल्यू तो दिया है, डी का वैल्यू नहीं। डेट मीन्स हमें यदि ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का तो प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ए ए भी नहीं है ना ही ए एन है, तो इसका तो जिक्र करेंगे नहीं। यदि इस फॉर्मूला की बात करें तो ए चाहिए और क्या चाहिए डी, और ए और डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए टर्म है, और टर्म निकालने के देखें हमारे पास दो टर्म दे रहा है, तो हम लोग यहाँ जो दो टर्म दिया उसी के आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं। वी हैव हमारे पास ए टू दे रहा है कितना 14, ए टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए वन प्लस डी लिख सकते हैं कितना 14। यहाँ से ए वन की बात करें तो क्या होगा 14 माइनस डी, ठीक है, इसको क्या करेंगे इक्वेशन वन मान लेंगे जैसा कि हम लोग पहले ऐसा बना चुके हैं। अब देखिए एंड वी हैव और कुछ है क्या दे रहा है ए थ्री भी दे रहा है कितना 18, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं ए वन प्लस टू डी इक्वल्स टू 18। यहाँ ए वन की बात करें तो क्या होगा 18 माइनस टू डी, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन टू। हम पहले ही बताए थे यदि किसी इक्वेशन का एल एच एस और एक इक्वेशन का एल एच एस और दूसरे इक्वेशन का एल एच एस बराबर हो तो उसका आर एच एस भी क्या होता है बराबर। साथ साथ ये कंसेप्ट भी बताते किसी भी ए पी का ए वन जो होता है प्रत्येक टर्म के लिए सेम होता है, तो यहाँ भी ए वन का वैल्यू है यहाँ भी ए वन का वैल्यू, डेट मीन्स दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या होगा मेरा दोनों का मान क्या बराबर, डेट मीन्स 14 माइनस टी इक्वल्स टू क्या होगा 18 माइनस टू डी। अब नंबर को एक तरफ लेते हैं डी को एक तरफ, तो इसको इधर भेजिए माइनस में, ये ऑलरेडी माइनस में है इसको इधर भेजिए तो क्या होगा प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस फोर, और इसको टू डी में से डी जाएगा तो क्या होगा डी माइनस माइनस कट गया, डेट मीन्स डी बराबर क्या आया तो डी का वैल्यू आ गया, हमें क्या चाहिए ए चाहिए, तो यहाँ भी ए का इक्वेशन यहाँ भी ए का इक्वेशन, तो पहले ही पढ़े थे डी का जो वैल्यू आता तो या तो वन में या टू में, जिसमें रखना आप रखिए आंसर सेम आएगा। तो नाउ पुटिंग डी इक्वल फोर, हम इक्वेशन वन में रखते हैं, आप टू में रखना तो टू में भी रख लीजिए आंसर सेम ही आएगा। तो इक्वेशन वन मेरा क्या है ए वन बराबर क्या था 14 माइनस डी, तो 14 और डी का वैल्यू 4 डेट मीन्स 10, तो देख रहे हैं हमारे पास डी का वैल्यू आ गया और ए का वैल्यू आ गया, तो डेट मीन्स हम लोग आप क्या निकालना है नाउ एस एन इक्वल्स टू व्हाट, तो वी नो डेट हम लोग जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इज टू डी। हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है ए एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो अब देखिए एस कितना है एन के जगह क्या होगा 51, यहाँ भी 51 बाई टू टू ए, ए का वैल्यू हम लोग निकाला है कितना 10 प्लस एन, एन कितना है 51 माइनस वन, और डी का वैल्यू भी हम लोग निकाला है कितना 4। अब इसको बस सॉल्व कर देना, डेट मीन्स एस 51 बराबर क्या होगा 51 बाई टू, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 20,
11 में से 1 जाएगा, क्या होगा 50 इंटू 4, ये क्या होगा 11 बाई 2 इंटू क्या होगा 20, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, डैट मीन्स 11 बाई 2 इंटू कितना होगा 220, 2 से कटेगा कितना और 110, तो 0 का 0